अगर डर लगते तो आई एम सॉरी, लेकिन स्पाइडर है उधर। मुझे लगता है रिस्क नहीं लेना चाहिए, बहू को साथ ले लेते हैं यार। यार अब एक चीज के लिए इतना ज्यादा वेट करते हो और एकदम से हो जाती है, और वो जो फीलिंग आती है ना। Welcome back to the channel. Welcome to another vlog. It's a brand new day, brand new vlog. आज बहुत अरसे के बाद ऑफिस से व्लॉग शुरू करें, क्योंकि बस ये व्लॉग शुरू होकर शाम में खत्म होने वाला सीन परफेक्टली डन होने वाला है। कल जो लास्ट वाले व्लॉग में प्रोक्रेस्टिनेशन की बात की थी ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है उसमें क्या होता है? उसमें जब नाश्ता आप नहीं छोड़ते हो ना, सबसे पहली वो बात होती है। जब आप नाश्ता टाइम पर कर लेते हो ना, तो बाकी दिन अच्छा गुजर जाता है। तो नाश्ते में आज हमारे पास है वो धनिया वाला ऑमलेट, अपनी रूटीन वापस आ गई है, और साथ में चाय। यार एक नॉर्मल डे चल रहा था, लेकिन अभी ना वहाँ पे एक दीवार पे इतना बड़ा स्पाइडर है। अब जिन लोगों को स्पाइडर फोबिया है उन लोगों को सॉरी, क्योंकि कुछ लोगों की फुटेज बनाई है मैंने। अभी मैं इधर आके बैठी हूँ, उसको आराम से उसका काम करने दो, मुझे मेरा काम करने दो, क्योंकि स्पाइडर वाला यार थोड़ा सा ग्रे एरिया, मार भी नहीं सकते और डर भी लगता है। शेख को तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब शेख और आप लोग सब जब भी वीडियो देख रहे हो, जब ये व्लॉग देख रहे हो, तो आप लोगों को अगर डर लगता है तो आई एम सॉरी, लेकिन स्पाइडर है उधर। लिटरली उसने ऐसे वो किया आगे को, मतलब जंप करने के लिए। किधर गया? उई किधर गया? जाते हुए देख लेता ना तो सही रहता, लेकिन अब पता नहीं कहीं से भी आ सकता है, कहीं भी गया होगा, पता नहीं कौन से सुराख में घुसा होगा। ये तो इधर से भी आ सकता है, उधर से भी आ सकता है, उधर से भी आ सकता है, उधर से भी आ सकता है। ऐसी जगहों से तो आते ही हैं स्पाइडर। Many hours later. तो यार तो ऑफिस खत्म करके घर पहुंच गए। मैंने रिसेंटली नोट किया कि यार अबीरा इतना जिद नहीं करती आजकल चीजें के लिए, आरे जो है वो शोर करती है ना जी। हाय हगी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? तो उसके लिए ना मैं रास्ते से कुछ चीज़ें छोटी मोटी ले आया था, चॉकलेट वगैरह जो भी है। चॉकलेट फिर मीठा। डेंटिस्ट को दिखाऊंगी ये वीडियो। वेलकम बैक। हाय आदेश। वो उसने पहले से बैग्स निकाल लिए थे जी। वो क्या बन रहा है? आलू गोभी? हाँ। हाँ? अच्छा, तो सोच रहे हो डाइट पे जाने का, और अब घर आओ और आलू गोभी बन रहे हो, तो फिर डाइट शुरू कर देनी चाहिए। क्या ये आलू के नान है? हाँ। नान का है इसमें? ये आटा है ना करने लगी। अच्छा, तो पाकिस्तान में प्रैक्टिस की थी नान लगाने की तंदूर में। अभी देखते हैं यहाँ पे बुबू कैसे नान बनाती है। आज नान आलू वाले नान खाएंगे, ऊपर घी वो लगा के सही मजा आएगा, देखते हैं। लेट्स सी। यार एडिटिंग वगैरह तो चल रही है, लेकिन ये देखो बुबू क्या बना के लाई है यार। सही आलू के रोगनी नान, जबरदस्त प्रॉपर नान लग रहे हैं यार, सही वाले बुबू। जबरदस्त हो गया सीन। ढाबे पे नान भी मिलते हैं अभी। Early the next morning. रात को यार नान में पता नहीं क्या मिलाया था, उसने नान खाए और उसको टोटली आउट। वैसे थक भी काफी ज्यादा गए थे, ऑफिस में काम ज्यादा था और वो सारा सीन, स्पाइडर से डर के और वो सारा। तो अभी यार फिलहाल के लिए ना अभी एक टास्क है, सुबह उठते साथ ही ना नाश्ता वाश्ता खत्म है, तो नाश्ता लेने जा रहे हैं पाकिस्तान वाली वाइब की तरफ। सुबह उठते जाके नाश्ता लेके आओ, वहां तो चने नान और वो सारा सीन होता है, लेकिन यहाँ पे जाके ना अभी जाके कुछ ब्रेड अंडे वगैरह लेके आने। टास्क ये है कि ये भी मेरे साथ जा रही है, ये भी मेरे साथ जा रहा है। बीरा को लेके तो मैं बहुत बार गया हूँ बाहर, लेकिन दोनों को इकट्ठे लेके नहीं गया। तो अभी ये टास्क होने वाली है, और साथ में व्लॉग कैसे करेंगे ये एक थर्ड टास्क होने वाली है, तो देखते हैं ना। ये जो है ना ये कैमरा, इसको यूज किया जाए, इंस्टा 360X3 को। इसमें ये होगा कि हाथों की जरूरत नहीं पड़ेगी और एज इट इज रिकॉर्ड होता रहेगा सब कुछ। क्या ख्याल है? ओके, निकल आए हम लोग। बिया भी है साथ, आरिश भी है। पहली बार ऐसे हो रहा है कि हम तीनों सिर्फ निकले बाहर, और अभी इसमें आवाज़ पता नहीं क्या सीन है, इसका माइक का क्या चक्कर है, क्योंकि इसका माइक कभी एज सच व्लॉग के लिए यूज़ किया नहीं है। तो वैसे ट्रैफिक से आ जाए तो मुझे लगता है रिस्क नहीं लेना चाहिए, बहू को साथ ले लेते हैं यार, ऐसी मसला मसला ना हो जाए, है ना? क्योंकि शॉपिंग भी उठानी है, तो सामान का उठाएंगे फिर, क्योंकि व्लॉग तो ज़रूरी ना, आप लोगों को साथ लेके जाना है हर एक्सपीरियंस में, तो वो वाला सीन।
मिल्की के करीब वाली शॉप पे भी चलते हैं, ठीक है? आओ यार, इस टाइम ना बुबू मुझे वो वाले लुक्स करा रही है कि मेरे बगैर आपका कोई काम नहीं होता। अब ये वाला काम जाहिर बात है मुश्किल है, हो जाना था कर लेना था मैंने, लेकिन मैंने कहा यार रिस्क नहीं लेते, ऐसे ही चलते हैं, क्योंकि ना बच्चे भाग गए हैं अभी रोड पे और ट्रैफिक का टाइम है। तो ऐसे फिर हाथ भी देना था उसका। हैं? अभी हाथ भी यार, अभी क्या हुआ, अभी निकलते निकलते ना दरवाजे से पहले आरिश ने हाथ रख दिया और दरवाज़ा बंद होने लगा था लिटरली यार। मतलब कहती है कि अगर आप अकेले ले जाते तो कहीं उसका हाथ आ जाता आपको पता भी ना होता। मदर जो होती है ना ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होती है, जब जो बाप होते हैं ना वो जाने देते बस। यार ये लेने आए थे ब्रेड और यहाँ पे आके ना सबकी नीयत बदल गई, कहते हैं कि यार ये वाला लेना है कोई डोनट्स और क्रोसेंट्स वगैरह। यार मैं तो कह रहा हूँ अच्छा हो गया बुबू आ गई, नहीं तो ये सारा स्कैन होता और पीछे से आरिश भाग जाता, अबीरा भी भाग जाती, कैसे होता है सारा। मैंने यार अभी अभी ना इतने मज़े की एक कॉल आई अबीरा के स्कूल से, एंड अबीरा का ट्यूसडे से स्कूल शुरू हो रहा है यार। हाँ मतलब आज क्या है, वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, वो 5 दिन के बाद अबीरा का स्कूल स्टार्ट हो रहा है। यार अब एक चीज़ के लिए इतना ज़्यादा वेट करते हो और एकदम से हो जाती है, और वो जो फीलिंग आती है ना इसको क्या हुआ है। ओके तो एक बहुत बड़ा नया चैप्टर शुरू होने वाला है यार। एज अ पेरेंट ये डिफरेंट सी फीलिंग है यार, मैं बता नहीं सकता। मतलब आप लोगों के साथ सारी लाइफ शेयर हो रही है, छोटे छोटे बड़े बड़े सारे मोमेंट्स, और ये छोटा बड़ा मिक्स मोमेंट है यार। मतलब अब मीरा बिजी हो जाएगी, इसके पास कम टाइम हुआ करेगा, टाइम मैनेज करना पड़ेगा, कैसे मैनेज करेगी। पहला स्टेप टुवर्ड्स आई डोंट नो यार, सही है, हैप्पी फॉर सर, अच्छा सीन है। ए मुबारक हो तुम्हें। हाँ यार, तो अबीरा का यूनिफॉर्म वगैरह डिसाइड हो रहा है, एक दो दिन में उसको लेने यूनिफॉर्म भी लेने चले जाएंगे। और यस द मोमेंट इज फाइनली हियर। क्या काय में यूनिफॉर्म कल लेने जाएंगे बेटा, ऐसा होगा आपका यूनिफॉर्म ऑलमोस्ट, या ये होगा या ग्रीन होगा या जैसा भी होगा, यही होगा। लाइक इट, एक्साइटेड? ए तुम क्या करो, टीवी गिर जाएगा। नहीं टीवी का दुश्मन और मैकबुक के दुश्मन। यार तो बस अभी क्या होने वाला है वो तो सबको पता चल गया कि यार थोड़े दिनों में बस अबीरा के स्कूल की तैयारी होने वाली है, और वो सारा सीन अब देखते रहोगे आप कुछ वाले व्लॉग्स में। फिलहाल के लिए यार आज का व्लॉग अभी यहीं पे एंड करना पड़ेगा ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि अभी ना थोड़ी देर के बाद मैं निकल रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, वो आप अगले वाले व्लॉग में देखना। मैं जा रहा हूँ शेख के साथ और एक और दोस्त के साथ, तो वो जो है ना उसकी स्टोरी आपको नेक्स्ट वाले व्लॉग में बताता हूँ। अभी ये वाला व्लॉग एंड करते हैं और नया वाला व्लॉग शुरू करते हैं नाश्ता वाश्ता करके। तो इसके वैसे ना जो ट्यूसडे को बस इसको हिम्मत आनी चाहिए कि वहाँ पर जाके पहला दिन अच्छे से गुजारे, और इसलिए फिर एक नई लाइफ शुरू हो जाती है। तो फिर एज ऑलवेज एंड हो रहा है, मिलते हैं।